सभी उपस्थित छात्राएं, सबसे पहले तो भाई क्योंकि यहाँ महिलाओं की संख्या अधिक है और कल ही हम लोगों ने महिला दिवस मनाया है, तो मेरी तरफ से छात्राओं को, अध्यापिकाओं को बहुत बहुत महिला दिवस की बधाई। और मैं महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए खास तौर से, भाई जब हमारी प्रधानाचार्य ने शेर में शेर सुनाए, हमारी फैकल्टी के लोगों ने सुनाए, तो भाई कुछ ना कुछ मेरा भी बनता है कि मैं खासतौर से छात्राओं के लिए, अपनी बच्चों के लिए ये बात कहना चाहती हूँ कि जो हमारा एक सामाजिक ढांचा है उसमें कहीं हमारी परंपराएं भी हैं, संस्कार भी हैं, हमारी रूढ़िवादिता भी कहीं हो सकती है आज की तारीख में भी। तो मैं एक चार लाइनें बच्चियों के सामने कहना चाहती हूँ आगे बढ़ने के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए। कफस, आप लोग जानते होंगे कफस का मतलब है, वैसे तो सलाखें या जेल के तौर से उसको कहा जा सकता है, लेकिन ये बेड़ियों के तौर से मैं कहना चाहती हूँ कि मैं कफस की तीलियों से। कफस का मतलब आप लोग समझ गए, पिंजरा भी कह सकते हैं उसको, एक तरह से घर में रहना भी कह सकते हैं, कि मैं कफस की तीलियों से देख लेती हूँ चमन को, किस कदर पाबंदियाँ हैं फिर भी मैं आज़ाद हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ अपनी बच्चियों से कि हमें आगे बढ़ना है, लेकिन अपने संस्कारों के साथ, अपनी मर्यादाओं के साथ, अपना जो हमारी देश की संस्कृति है, जो पहनना ओढ़ना है, जो हमारी भाषा है, उस सब के दायरे में रहते हुए हमें आगे बढ़ना है। यहाँ भी COVID-19 की बात विषय है आज की सेमिनार का। ये बड़ा अजीबोगरीब साल, ना किसी ने कभी ऐसा सोचा होगा कि ये भी एक महामारी हम लोगों के जीवन काल में आएगी। एक बात तो ये है कि सरकार का बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उनकी इंटेलिजेंस होती है, और जो चीज़ दिसंबर में दुनिया में कहीं हुई है और उसके बारे में हमारे यहाँ पहली बार मार्च में पता लगता है, या तो सरकार की वो प्राथमिकता नहीं थी या उनके इंटेलिजेंस का फेलियर है। खैर, जो भी हुआ, जिस तरह से भी हुआ, सब लोगों ने, हर आदमी का इसके बारे में अपने आप ही अपनी व्यथा को इंसान समझ सकता है। जिसको COVID-19 हुआ, उसने कैसे सामाजिक या अपनी मानसिक या अपनी जो उसकी स्वास्थ्य के प्रति जो भी बदलाव हुए, जो भी लोगों का बिहेवियर हुआ, जो सरकार की इंफ्रास्ट्रक्चर में हॉस्पिटल्स की या जो भी अवेलेबिलिटी कम थी गैस ऑक्सीजन सिलेंडर्स की या वेंटिलेटर की या बेड की, वो उसने किस तरह से झेला। मैं एक सर्वे पर देख रही थी कि लोग शुरू के कुछ महीनों में कोविड से कम मरे और किसी ने सुसाइड किया या वो डर के कारण इतनी तादाद में मरे। तो ये आज जहां हम 20वीं 21वीं सदी की बात करते हैं, तो ये एक बड़ा दुख का विषय है कि हम इस चीज़ को समझ नहीं सके और समय रहते इसका कोई फैसला नहीं ले सके। जैसे अभी JP पचौरी साहब ने कहा कि जब लॉकडाउन लगा, लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, उन पे ऐसे आदेश थे कि उन पे डंडे पड़े, मारते पीटते हम लोगों ने फेसबुक और व्हाट्सएप पे लोगों को देखा कि उनके घर से निकलने पे, चाहे वो किसी मजबूरी में ही क्यों ना निकल रहे हों घर के बाहर, और हमारे पास इलाज की व्यवस्था नहीं थी। ये बात सही है कि ये जो वायरस, कोई भी वायरस होता है, वो म्यूटेट तो होता है, अपने स्वभाव को बदलता रहता है, लेकिन वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, तो हमें इसके साथ ही रहना है। मैं भी एक किसान परिवार से भी हूँ, एक राजनीतिक महिला भी हूँ, कि लोगों की फसल तैयार है, रोज़ कमाना है और रोज़ खाना है, और उनको 8 बजे ये पता लगा कि लॉकडाउन हो गया है और अब कोई कहीं नहीं जाएगा, उनकी क्या व्यवस्था होगी, वो कहाँ रहेंगे, वो कहाँ खाएंगे, उनका कैसे चलेगा। मैं कुछ ये कहने में कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे कोई गुरेज नहीं है कि सरकार का ये बिल्कुल फेलियर है, कि जब कोई 10-20-50 पेशेंट मिल रहे थे तब तो इतनी सख्ती से लॉकडाउन था, और आप देख रहे हैं जगह जगह चुनाव हुए, बिहार में चुनाव हुए, आज बंगाल में भी चुनाव हो रहे हैं, बाई इलेक्शंस हुए कई जगह पे, तो वहाँ बड़ी हज़ारों की, लाखों की तादाद में रैलियाँ हुई, लेकिन हम उस भगवान का
और धन्यवाद करना चाहते हैं कि आज हम सब लोग एक दूसरे के सामने बैठे हैं और इसमें किसी सरकार का कमाल नहीं है, कोई ताली बजाने का कमाल नहीं है, सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई कमाल नहीं है और सरकार की आर्थिक नीतियों का कोई कमाल नहीं है। ये कमाल है सिर्फ इस बात का कि हम लोगों की इम्यूनिटी पावर अच्छी है, क्योंकि हम लोग इतनी वर्स्ट कंडीशंस में रहने के आदि हैं। हमें बताते हुए ये दुख और अफसोस की बात है, क्योंकि हम लोग भी गांव-गांव गली मोहल्ले लोगों के संपर्क में रहते हैं कि आज भी इस सदी में भी और इस इतनी लंबी लंबी भाषणों के जो हम उनके गुणगान लोगों के सुनते हैं या बखान सुनते हैं कि पपीता बिक रहा है, अगर पपीता सड़ गया है तो आधा हिस्सा काट के भी ठेले के ऊपर बिक रहा है, अगर केला बिल्कुल खाने के काबिल नहीं है तो भी बिक रहा है। तो हम लोगों की जो इम्यूनिटी है, जो हम वर्स्ट कंडीशंस में सीवियर ठंड में क्योंकि हमारे देश की जो जलवायु है वो भी बड़ी अलग अलग तरह की है, कहीं बहुत तेज़ गर्मी है, कहीं बहुत तेज़ ठंडा है, तो हम लोग ऐसी परिस्थितियों में रहने के आदि हैं आज भी इस विकसित देश के अंदर कि हम उसकी वजह से बचे हैं, ना कि किसी और किसी वजह से बचे हैं। मुझे आज बड़ा अच्छा लगा कि हमें एक बुद्धिजीवी लोगों के चर्चा मुझे सुनने को मिली, वरना यहाँ तो लोगों के दिमाग में ताला लगा के चाबी अपने पास है कि लोग ताली बजा के भी खुश है, ताली बजा के भी खुश है। कोई ये कहना नहीं चाहता कि भाई ये क्या हुआ है या क्या आर्थिक स्थिति है। लोग 40 लोग एक साथ ट्रेन की पटरी पर कट के मर गए कि उनको जाने नहीं दिया, अरे उनकी व्यवस्था करनी चाहिए थी। अगर ऐसी परिस्थिति थी कि आपको तुरंत लॉकडाउन लगाना पड़ा तो आपको उनके जाने की भी कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी, बसें लगाते, ट्रेनें चलाते कि वो अपने गंतव्य तक अपने घरों तक सुरक्षित पहुंच जाते। तो कुल मिला के ये है कि हम भगवान के बहुत बड़े भाग्यशाली हैं कि हम सकुशल हैं, स्वस्थ हैं। और ये बात भी सही है कि जो लोग छोटे शहरों में रह रहे हैं, जो कस्बों में रह रहे हैं, क्योंकि बीमारी हमारी फैलाई हुई तो है ही नहीं, ये तो बड़े बड़े लोगों की, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बड़े नेता हैं, वही बीमारी हमारे देश में लाए हैं, हम लोगों की तो ये बीमारी है नहीं। तो बस मेरा सब लोगों के लिए यही शुभकामनाएँ हैं कि सब लोग स्वस्थ रहें, बच्चियाँ तरक्की करती रहें। मेरे परिवार ने एक सपना आज से 75-80 साल पहले देखा था कि क्षेत्र के लोग, इलाके के लोग पढ़ाई करें, अच्छा भविष्य बनाए, और न मालूम कितने लोगों को फ़ायदा पहुंचा होगा कि अपना परिवार आज उनका, मैं अपने टीचर्स को देखती हूँ, अपने स्टूडेंट्स को देखती हूँ जो पुराने हैं, छुट्टी कहते हैं कि जी हमें इंग्लैंड जाना है, हमारे बच्चे इंग्लैंड में सेटल हैं, हमारे बच्चे अमेरिका में सेटल हैं, तो बड़ी खुशी होती है कि बहुत साल पहले आज हर चीज़ का व्यवसायीकरण हो रहा है, आप लोग भी देख रहे हैं। लेकिन उन लोगों ने बड़े निस्वार्थ भाव से समाज के लिए ये पहला कदम रखा, हम लोग तो उनके वंशज हैं, ये हम बड़े गौरवशाली अपने आप को महसूस करते हैं कि हमें वो खजाना या वो विरासत हम लोगों को मिली है। बहुत समय हो गया है, हमारे मेहमान सब बाहर से आए हैं, लंच खिला के सबको विदाई का समय भी हो रहा है, और इसी के साथ मैं बहुत जकिया जी को भी बहुत मैं बधाई देना चाहती हूँ कि बड़ी दिलचस्पी ये हर चीज़ में लेती हैं, और देखिए जो भी कुछ अच्छा करता है तो वो प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और हमारी फैकल्टी बहुत अच्छी है, बड़ा अच्छा वातावरण है, हमारी संस्था का बहुत अच्छा वातावरण है, और आप लोग आ गए तो इससे तो अच्छा कुछ है ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.